नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर हम बात करेंगे बीपीएससी द्वारा यहाँ पर टीआरई थर्ड की जो परीक्षा ली गई है उसकी कट ऑफ के बारे में। हालांकि इस वीडियो में हम केवल पीआरटी के बारे में बात करेंगे। पहले ही बता देते हैं कि पीआरटी वाले ही कट ऑफ इस वीडियो में बता पाएंगे, इसके बाद बारी बारी से सभी की कट ऑफ बताई जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, चालू करते हैं अपना वीडियो और आपको बताते हैं कि बारी बारी से कट ऑफ। दोस्तों, हम कट ऑफ ज़रूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बातें आपको हम बता देते हैं कि हालांकि इसमें कुल मिलाकर पोस्टों की संख्या पीआरटी की बात कर रहे हैं 28,000 से कुछ ज़्यादा थी। और हम आपको बता दें, एक सीट पर कम से कम 5 से 6 बच्चों ने अप्लाई किया है और फाइट इन्हीं के बीच होनी है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि आपको जनरल की कट ऑफ देखिए, इसमें मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ जाती है, इसलिए हम पहले मेल की बताते हैं। जनरल मेन मेल की कट ऑफ जो रहेगी आपकी, वो दोस्तों वो यहाँ पर आपका मेल की कट ऑफ जो आपको हम बताते हैं, मेल यहाँ पर दोस्तों मेल की कट ऑफ 82 से प्लस माइनस 1 कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपको हम बता दें कि जनरल फीमेल की कट ऑफ 79 के आसपास रहने वाली है, कितनी 79 के आसपास रहने वाली है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीसी की। बीसी और यहाँ पर दो कैटेगरी होती हैं, बीसी और ईबीसी। दोस्तों, बीसी की सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जिसके अंक फीमेल नहीं सॉरी पहले हम लोग मेल की कट ऑफ देख लेते हैं। और मेल की कट ऑफ में यहाँ पर मेल वाला जिसके 65 नंबर आ रहे हैं, वो मान के चले पीआरटी के लिए अपनी तैयारी आगे स्टार्ट कर दे। और फीमेल में यहाँ पर बीसी में यहाँ पर आपको कम से कम 62 नंबर लाने ही होंगे दोस्तों, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात कर लेते ईबीसी की। ईबीसी में देखिए, मेल की कट ऑफ जो रहने वाली आपकी, वो यहाँ पर मेल की कट ऑफ 77 के आसपास रहने वाली है दोस्तों। और फीमेल की कट ऑफ जो होती है आपकी, हो जाएगी यहाँ पर कम से कम आपको 63 अंक लाने ही होंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एससी की और एसटी की, अलग अलग देखेंगे। पहले हम लोग एससी की कट ऑफ देख लेते हैं। एससी की कट ऑफ में आप लोग मेल में यहाँ पर जिसके 60 अंक आ रहे हैं, वो अपने आप को फाइनल माने। और फीमेल में दोस्तों यहाँ पर जिसके 55 अंक आ रहे हैं, वो क्वालिफाई कर जाएगा। इसके बाद एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी में आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, एसटी में मेल और फीमेल की अलग अलग हो जाती है। और तो एसटी में जिसके 55 नंबर आ रहे हैं, वो फाइनल सिलेक्शन पा जाएगा। उसके बाद फीमेल में दोस्तों जिसके 50 अंक आ रहे हैं, वो फाइनल सिलेक्शन पा जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आपको हम बता दें पीएस की अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आपकी जाने वाली है। और एक औसत हम बताते हैं कि कितनी आपकी कट ऑफ जाने वाली है। पीएच वालों के लिए कम से कम मेल में आपको 60 और फीमेल में आपको 58 अंक प्राप्त करने ही होंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों, ये कट ऑफ संभावित है, इतने नहीं भी जा सकती है और इतने में जा भी सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। जय हिंद, जय भारत।